मैं तो उनको गल भी नहीं आखी सुभान अल्लाह आखो या ना आखो उच्चा बोलो ना बोलो लेकिन हुण तो हक बनता है चार मिनट मैंने बर्दाश्त करना तुसा इंशाल्लाह माइक मिला मैं सब हवाले कर रहा है वो बड़ी खूबसूरत आसान अंदाज ना तोड़े दिल में मुस्तफी जो मुनव्वर परमेश्वर बाबा दे नाल नारे तकबीर सारे हाथ बुलंद करो जितने भी थे मौजूद हो महफिल अंदर सारे हाथ बुलंद करके अपनी हाजरी हुजूर की बरकत में लगाओ हाथ बुलंद करके नारे तकबीर माशाल्लाह बाबा जी टेक लाई बैठे हैं नौ भी उठी पहन हुण माशाल्लाह तुसा भी हाथ बुलंद फरमा के ना सारे नारे तकबीर माशाल्लाह हाथ सा तल नहीं रखना मैं जुमला वाली समाज के हवाले कर देना नारे तकबीर भाई जान हाथ तल नहीं रखना नारे सालत नारे हाथों की लकीरों पे जली लिखा है देखो अर्ज पे फली लिखा है तू मेरी बात मान ना मान लेकिन जरा गौर तो कर अरे मोमिन के हर चेहरे पे अली लिखा नजारा अली का है और मरहब तो नील है सर पर तल पड़ा हुआ उठने का अब नहीं क्योंकि माला कदर सवार देता है तो सारी तरीका सुन ले पायो मैं अदबिया के अली का जिक्र मुकद्दर सवार देता है अली का पोस ये चेहरा बिगाड़ देता है उनके जिक्र को अदना समझने वालों मेरा अली तो वो है जो एक हाथ से है पर दो अशआर शायर लिखदा है रसूल नाना बाबा अली अजे भी पूछना हुसैन की लुटा के सब कुछ नकी तसीये अजे भी कुछ ने अजे भी पूछना है हुसैन किए अजे भी पूछना है हुसैन किए और ना आखी प्यासा है पीर मेरा मजबूर भी नहीं शब्बीर मेरा आजकल लोग आदेन जी इमाम हुसैन पाक नु मैदान ए करबला दे अंदर पानी नहीं मिलया ते शायर आदा शायर लिखदा कि शायर आदा ना आखी प्यासा है पीर मेरा और मजबूर भी नहीं शब्बीर मेरा खुदा दी हर शै हुसैन दिए अजे भी पूछना है अल्लाह
ناظرین کو اختتام کرتے ہوئے دعوت سخن پیش کرتا ہوں میرے مسلک اہل سنت کا عظیم سرمایہ میرے کسی بھی تاروں کے محتاج نہیں خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا حاجی محمد عمر مدنی عطاری صاحب سرزمین کالا باغ سے آپ سے التماس کہہ پائیں اور اپنے نورانی بیدانی خطاب سے ہمارے ضلع کو مستفیض و منور فرمائیں اور اپنی حاضری کے شرف حاصل کریں آپ علامہ صاحب کا استقبال کا فرمانے نعرے کے ساتھ اور ان شاء اللہ میں آپ کی جان چھوڑ رہا ہوں نعرے تکبیر ماشاءاللہ